राजधानी दिल्ली के विकास नगर के वर्मा रोड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला आज सुबह का बताया जा रहा है, जब एक कूड़ा बिनने वाला कबाड़ी सड़क से जा रहा होता है, उसी दौरान तेज रफ्तार में जेसीबी आती है और जेसीबी उस व्यक्ति को कुचल देती है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और ये पूरा मामला विकास नगर के वर्मा रोड स्थित आशीष वाटिका की पार्किंग का बताया जा रहा है। वहीं मृतक की शिनाख्त 40 वर्षीय पप्पू के रूप में हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है, आगे की कार्यवाही भी जारी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जेसीबी चालक के ऊपर क्या कार्यवाही करती है। क्या हुआ था ये बताइए। मैं गया, एक फेरी लगा के गया गोदाम में, बोले भौजी हमारा चाय दे देंगे, घोड़ा लेके चला आया देखो ना तुम्हारा पप्पू के ना 2000 से चीख दिया है, ले दौड़ा निकाल दिया, ले दूरी निकाल दिया तो दौड़ा लाए था, खंड रहा था घर निकलिए, अभी भर गया पूरा केवाड़ी, तो कुछ नहीं कर पाया, तो रह गया मैं आदमी, हम दौड़े थे पीछे पीछे सारे चला, मतलब उसको मार के दबा रहा था। हाँ, दबा रहा था, देखो ना उधर खंडल है, देखने के तो आए तो खत्म हो गया। जिनकी मौत हुई है उनका नाम क्या है और उम्र कितनी है? उम्र कितनी होगी? क्या काम करते थे? यहाँ पता लगा कि यहाँ मेला लगने वाला है, उसकी साफ सफाई चल रही थी? नहीं पता था कि मेला लगने वाला है, हम सबको कुछ पता नहीं भैया।